रुद्रा IAS एकेडमी, MP नगर भोपाल, इंद्रपुरी भोपाल एवं दमोह में भी। गाय हमारी माता है और एक ही हमको सेवा करने, ऐसे नारे आम तौर पे हिंदुस्तान में क्यों जगह सुनाए देत और चुनाव के टाइम पे नेता लोग कछु ज्यादा ही सुनाऊ, लेकिन ई के बाद गौ माता को भूल जात। लेकिन जब बात जन जागरूकता की आवे तो कभू कभू ऐसे प्रयास हो जात जो ना केवल सराहनीय होत बल्कि एक नजीर भी कायम कर जात। ऐसो ही अनूठो प्रयास गौ माता की सेवा के लाने भाव है बुंदेलखंड इलाके में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला के तालबीहट कस्बा में एक गौ भोग वाहन शुरू भाव है। अभी वाहन की खासियत का है, ये वाहन को उद्देश्य का है जो हम आपको विस्तार से बताएं। दरअसल गौ माता को भोजन देवे के लाने, समय पे भोजन देवे के लाने जा अनूठी पहल तालबीहट की नगर पंचायत ने शुरू करी है और ये अभियान को नाम दाओ गौ है पहली रोटी गौ माता के नाम। दरअसल सुबह से शाम तक गौ भोग के नाम से जो वाहन पूरे नगर की सीमा में घूमत है, हर घर से ई वाहन में गौ माता के नाम पे भोजन दौ जात और जब जो पूरा भोजन इकट्ठो हो जात तो फिर ई पूरे भोजन को गौ माता की सेवा के रूप में गौशाला पहुँचाओ जात और गौ माता को अर्पित करे जात। अभी वाहन की कछु खास विशेषताएं आपको बताएं। ई वाहन की विशेषता जा है कि ई में बाकायदा सूखा भोजन अलग रखे जात, गीलो भोजन अलग रखे जात और लोग अपनी अपनी श्रद्धा से या तो घर की पहली रोटी या फिर पूड़ी या फिर चावल सब्जी से लेकर जो भी उनकी श्रद्धा हो वे वो भोजन गौ माता के लाने अपनी श्रद्धा से वे लोग ई गौ भोग की गाड़ी में डाल दे। बढ़िया बज रहा भजन, ई भजन के माध्यम से लोगन को जी में आवाज जाए तो ये रोटी रखी बासी रोटी हो या ताती बनी रखी, पत्ता गोभी के पत्ता है मूली के पत्ता है ये सब अलग रखने अपन सब लोगन को एक डिब्बा में और जब जब गाड़ी आए गाना बजात भजन बजात तब उस गाड़ी में डालने हैं अपन सबको जो ये गौशाला में तो गौगन को शुद्ध भोजन मिले। अच्छा आपके कहने को मतलब पहली रोटी गौ सेवा नारायण सेवा होती है। अच्छा चैन को केवो को मतलब है का गौ सेवा ना ही से बड़ी कोनो सेवा ही नहीं, नहीं है। एक जे आंटी जी भी डाल नहीं है हाँ। तो उसमें और मतलब ताजो ही ले आई के बासो ताजी है हाँ, सब्जी हाँ, हाँ, हरी हरी सब्जी है डाली ने हरी हरी सब्जी आओ तो और कछु केवो चाहो दाबी के बारे में जो कितने जा रहो का हो रहो। हम तो नगर के लोगन से एक और हाथ जोड़ के निवेदन करें कि सब लोग इस दान पेटी में भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें जिससे कि गौशाला में भूसा की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं होती रहे। मतलब इनको कहने को मतलब है कि गौ एक पेटी लगी है मैंने देखो महाराज ने गौ दान पेटी दान पात हां गौ दान पात गौ दान पात मैंने इसको डाल दो तो कहूं कछु होए होते तो होते हो जावे हो जावे। हां धर्म में तो जा रहा भाई साहब गंगन की पूरी व्यवस्था बनी रहे, बेचारी परेशान नहीं होवे खाना के लाजे या कछु के लाजे। जी गौ सेवा की रोटी आती है आवाज होती है से पता चलता है कि गाय के लिए रोटी डाली इसने डाली थी ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छा नगर पंचायत ने ये किया है। गौ सेवा की सबसे बड़ा डिब्बे लगे हुए हैं सूखा गीला कचड़ा है इसमें रोटी वगैरह सब्जी वगैरह और अन्य चीज़ें सूखी हरी सब्जियाँ वगैरह रखी जाती है। डाला है और का कहते सूखी रोटी अगले सब्जी अलग है हमें बहुत अच्छा लगा के जी गाड़ी आई एक पहली रोटी गौ माता के लिए है वो डालना है हमको जरूरी सूखी रोटी चल रहा सन डाल दिया हम लोग यहाँ पे। अच्छा और मतलब रोज का काम है आपका डालने का पैडे डालते हो आप मतलब ऐसा चल रही है योजना अपने तालमेल में पाँच छह दिन। देखे आपने कितने मनोभाव से लोग अपनी पूरी श्रद्धा से गौ माता के लाने प्रसाद के तौर पे जो भोजन अर्पित कर रहे और बाकायदा ई पूरे गौ भोग को सुरक्षित तरीके से और संरक्षित तरीके से बिना प्रदूषण के बढ़िया शानदार पैकेजिंग के तौर पे ले जाओ गौ माता को समर्पित करवे के लाने और गौशाला में गौ माता को जो भोजन कराओ जात। करीब एक हफ्ता से जब प्रक्रिया लगातार चालू है और ई पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे हैं तालबेट नगर पंचायत के अध्यक्ष मुक्ता सोनी
जो अपने नए नए प्रयोगों के लाने तालबेट में जानी जात। नगर पंचायत अध्यक्ष के तौर पर उनने क्यों सारे अच्छे प्रयोग करे हैं और अब जो उनको प्रयोग न केवल तालबेहट ललितपुर में बल्कि पूरे देश में नजीर बनविवारो है और यही पूरे विषय पे बुंदेली बौछार के संवाददाता मुकेश रजक ने मुक्ता सोनी से खास बातचीत करी। आप खुद देखो। भैया और सब जन सजा के वो चारों में पिड़े अवे नगर पंचायत के ऑफिस में सोते ई के लाने आओ। मैं आपको बता वो चारों के एक जे रोज गेल गल आ रही में एक जे को एक बार भजन बज रहा हो टुन टुन आसी बा एक गैस बिन बिना बेटी की वह गाड़ी चल रही तो वह भाई हरे पूछ रही थी कि जो क्या है मचे बेटा सो हमने कही के वो भाई हरे अब मुझे खुद नहीं जा पता। मैं तो खुद चार पाँच दिन से बाहर से आओ और मैं अब भाई हरे मैंने कही के मैं पूछ भेज रहा भाई हरे जो कहा हो रहा तो मैं अब नगर पंचायत अध्यक्ष महोदया जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी ग्राम नगर पंचायत है झांसी ललितपुर रोड पे परत दाऊ घरे झांसी और ललितपुर के बीच में है। झांसी से 50 किलोमीटर और ललितपुर से 40 तो इस बीच में है और इतने इनने बहुत सारे काम करवाए। अब हम तालबेट की नगर पंचायत अध्यक्ष महोदया जी के पास है जा रहे की बारे में पूछवे के लाने के जो बेटी भाई गाड़ी चल रही जकाय के लाने ऊपर लिखे रहो के गौ भोग तो अब गौ भोग के बारे में पता करवे जा रहा। तो सबसे पहले तो आपको राम राम पहुंचे राम राम। आपसे जब पूछवा चाह रहे हम के जो जे गाड़ी घूम रहे जे रोड पे उसमें भजन बज रहा ऊपर लिखे गौ भोग तो जब गौ भोग के आयो ई के बारे में पूछवा चाह रहे को हमें थोड़ा सा बता दो भाई हरे पूछ रहे थी। बुंदेली बौछार के माध्यम से सब जनन को हमारी प्यार भरी राम राम। आप संवाददाता मुकेश रजक जी जो हमसे पूछ रहे तो हम आपको बतावो चाह रहे कि नगर पंचायत ने कान्हा पशु आश्रय नाम से एक गौशाला बनाई हती। अब हमारी गौशाला में गौवंश हो गए 250 और जी सब गौवंश हमारी जी गौ माताएं जिनमें नंदी बाबा भी हैं बछेरू हरे भी हैं थोड़े से जिस सब हमने रोड पे से पकड़े मतलब कि जे सब अन्ना पशु हैं और इनकी लाने नगर पंचायत की तरफ से हम रोज सानी भूसा इनकी सबकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अब हमने एक नई योजना शुरू करी है जिसमें कि हम 2 ई रिक्शा नगर पंचायत की तरफ से हमने खरीदे हैं जो आप कह रहे टुनटुनिया की गाड़ी वो ई रिक्शा है जो बैटरी से चलत है और जिनमें हमने स्टील के 4 बड़े बड़े डिब्बा रख लाए हैं। अब इनमें हमने जब चालू करे 2 दिन पहले हमें जिलाधिकारी महोदय ने हरी झंडी दिखा के इन्हें रवाना करो और इनमें हम जो पहली रोटी रसोईया में बनत है हमारी माताओं की बहनों की जो बहुत पुरानी परंपरा है प्राचीन परंपरा है कि जब पहली तवा रखो तो पहली रोटी हमें गैया माता की निकालना बस वही पहली रोटी हमें अपनी ई रिक्शा में चाहिए। तो बहनों ने हमारा 2 दिन में इतना प्रोत्साहित कर रहा है इतनी अच्छो कलेक्शन हमें मिलो है ई रिक्शा में कि हमें ऐसा लग रहा हो कि हमें एक दिन में 1000 रोटी मिले और जो 250 के करीब हमारा गोवंश है तो इनको हमें 2-2 3-3 4-4 रोटी एक गाय को या एक नंदी को या एक बछड़ा को मिल जाए। हम आपको बतावो चाह रहे कि ई में ई रिक्शा में हम रसोईया में बची सब्जी के छीलन फलों के छीलन और भी जो खावे वाली चीजें हैं जो गैया खा सके हमें बछेरू जिनसे बीमार ना हो और जिन्हें पौष्टिक आहार कहने का मतलब है आपको कि शुद्ध भोजन है डालने में जो हमारी गैया को शुद्ध लगे जो पौष्टिक आहार हो वो भोजन हम बस अपनी माताओं से अपनी बहनों से ई गौ भोग रथ में लहे ई कोई रिक्शा को हमने गौ भोग रथ नाम या रखो वो टुनटुनिया अच्छा नाम है। अब हम भाई हरण को बता दो और एक और पूछो चारा सवाल के आने और क्या बेचारे हैं आप और आप सब बहनों से हम जो भी कह वो चाह रहे कि जो कोनू दिना तो आपकी ना भूनसारी सी आ जाए कोनू दिना दुखारी में आ जाओ कोनू दिना संजगरिया आ तो सो हमें गैया की रोटी धरे रही हो सहेज के केवे को मतलब है मैं अध्यक्ष महोदय जी को कह जे रोटी एक रोटी भाई हरे धरे रहे बिल्कुल वो केवे को मतलब है एक कबो भी कोनो भी टेम आ सकत वो रिक्शा सो वो भजन सुन लो सो वो अपनी रोटी उठा ले आओ रोटी उठा के और झट्ट ही आ जाओ ताजी डाल दो और कछु बेचार है गौशाला और कछु करवा चाहता
अभी तो जो हमने योजना शुरू करी है 3 दिन से, 2 दिन में हमें उनकी इतना बढ़िया प्रोत्साहन मिल रहा है कि यही के तहत हमें ऐसी पूरी उम्मीद है कि हमें जो बहनें माताएं हमें जो सहयोग दे रही हैं, इसे हम अपने गौवंश को बढ़िया पौष्टिक शुद्ध आहार दे पा रहे हैं और हमारी जो गौशाला है वो बहुत अच्छी तरह से चल है और हमारी जो ई रिक्शा की जो योजना है गौ गोव्रत, ये योजना भी आप सबके सहयोग से और भगवान राम की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। इनको मतलब हमारे अध्यक्ष महोदय जी से बात हुई अभी हाल, उनका कहने का मतलब है कि मतलब है कि जो जो एक रोटी है वह गाय के लाने अपन रखे बचा के और भी अब गौ माता और गौशाला में बिना गल्लन काम करने, लेकिन इनको अपन हो का करने, इनको अपन को समर्थन करने का करने, इनको गौ माता के नाम से इनको अपन को समर्थन करने। यूपीएससी पीएससी एवं वनडे परीक्षाओं के लिए अनुभवी शिक्षकों के शानदार मार्गदर्शन में सफलता का दूसरा नाम रुद्रा आईएएस एकेडमी एमपी नगर भोपाल, इंद्रपुरी भोपाल एवं दमोह में भी। रजिस्ट्रेशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 9098200428। शुद्ध जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित रुद्राक्ष संपूर्ण हवन सामग्री एक बार अवश्य प्रयोग करें। हमारे अन्य उत्पादन अगरबत्ती पूजन सामग्री टेस्टी सॉल्ट पापड़ सभी क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करना है। संपर्क करें 09575663743 7000362807। अपने जीवन के सुनहरे पलों को यादगार बनाइए श्रीजी स्टूडियो के साथ। वेडिंग फोटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी, प्री वेडिंग फोटोशूट, ह्यूज एलईडी स्क्रीन्स, ड्रोन, लार्ज ड्रोन, श्रीजी स्टूडियो एंड एलईडी, संजोए सुनहरी यादें। देश के पहले बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पाएं बुंदेली में समाचार और वीडियो मजेदार।